मेरा नाम आरती ढींगड़ा है, मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरी सर्जरी हुई है स्पाइन की, क्योंकि स्पाइन में मुझे काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, 4 या 5 ईयर्स से। मैं 9 या 10 डॉक्टर्स को दिखा बैठी थी, बट सबने मुझे सर्जरी बोली थी, पर मेरी एज होने के मारे फिर सबने बोला कि इतनी छोटी एज है तो तुम्हें सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, वो भी स्पाइन की। बट मेरे को फिर जो मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर नीरज अग्रवाल, उन्होंने मुझे मतलब कि रेफरेंस दिया डॉक्टर एस के राजन का, जो डॉक्टर आर्टिमिस में हैं डॉक्टर एस के राजन। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप उधर जाके उनसे मिलिए, तो मैं उनके पास गई, तो मैंने उनको अपनी, उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स वगैरह मुझे बोली करवाने के लिए, MRI वगैरह। फिर मैंने उनसे MRI वगैरह करवा के सर को दिखाया, सर ने मुझे बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करा कि मतलब कि आप ये मत सोचो कि इतनी छोटी एज है तो आप ये सर्जरी नहीं करवा सकते, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि मैं बेड पे पड़ना नहीं चाहती, तो उन्होंने बोला आप बिल्कुल बेड पे नहीं पड़ोगे, उल्टा आप नहीं करवाओगे तो आप बेड पे पड़ जाओगे, इसीलिए, क्योंकि फिर मेरे को डॉक्टर साहब ने बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लेन करा। तो मैंने फिर डिसाइड करा कि भाई नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे पहले खाली पैर की फिंगर में ही मतलब कि सुन होनी शुरू हुई थी, पर वो धीरे धीरे मेरी टांग, पूरी टांग सुन होने लग गई थी। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर आपने ये तो अभी आपकी पूरी टांग सुन हुई है, अगर आपने ये नहीं करवाया तो आपको पैरालिसिस भी हो सकता है, बट आप तब भी तो बेड पे ही पड़ोगे और सर्जरी करवा के आप अपनी अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हो। मुझे तो चाहे थोड़ा सा मतलब कि अच्छा लगा कि हाँ चलो सर ऐसे बोल रहे हैं, बाकी मेरे घर वाले भी सब डर गए थे बहुत ज़्यादा कि नहीं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि इस एज में स्पाइन की सर्जरी करवाना, 42 एज में, मैंने 41 में करवाई है अपनी स्पाइन की सर्जरी, मेरी एज 41 थी तब मैंने करवाई थी। फिर उसके बाद जब मेरे को 5 डेज के लिए हॉस्पिटल में रखा गया, 9 आवर्स की मेरी सर्जरी थी, बट उससे नेक्स्ट डे ही मुझे उठाने को जैसे बोला डॉक्टर साहब ने, तो मेरे को लगा कि हाँ नहीं ऐसे इतनी बड़ी सर्जरी हुई है तो शायद मैं नहीं उठ पाऊंगी, मैं तो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी कि नहीं पता नहीं मैं बेड पे ही ना पड़ जाऊं, पर डॉक्टर साहब ने मतलब कि यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरह कन्वेंस करा कि नहीं आप आराम, आप ऐसे मत करो, आप अपने पैरों पर खुद चलोगे देखो। फिर मैं उसी टाइम ही उठी, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत चलाया, 5 डेज मैं यहाँ रही थी, और एक्चुअल में देखो मेरा घर भी 1st फ्लोर पे है, मेरे को लगा कि शायद मैं घर की सीढ़ियां तो कभी चढ़ ही नहीं पाऊंगी, चलो यहाँ तो मैं चल ली जो था। फिर मेरे को बोला, समझाया गया कि नहीं अगर आपके रैलिंग वगैरह घर पे लगी है तो आप आराम से चढ़ सकते हैं अपने घर पे। और जो मैं 5 डेज के बाद यहाँ से मैं डिस्चार्ज हुई थी, डिस्चार्ज होने के बाद मतलब कि किसी की हेल्प के बिना ही मैं खुद अपने 1st फ्लोर पे गई थी, और डेली का मेरी रूटीन थी, क्योंकि सबने बोला कि फिजियोथेरेपी वाले को आप घर पे बुलाओ, पर मेरे को लगा कि मतलब कि वो जैसे सारी मशीनें लेके घर पे नहीं आ सकते थे, क्योंकि कोई सेंटर होता है जैसे ये फिजियोथेरेपी का, वो हर एक मशीन नहीं ला सकते थे, तो मुझे लगा नहीं मुझे खुद उतर के खुद जाना चाहिए, खुद आना चाहिए। तो मैं डेली दिन में 2 बार मॉर्निंग में और इवनिंग में खुद मतलब कि जाती थी वहाँ पे। शुरू में तो मैं गाड़ी से ही जाती थी, पर 15-20 दिन के बाद मेरे को लगा कि नहीं अब मैं खुद पैदल जाके भी करवा सकती हूँ। बट अब आज मेरे को 1.5 साल हो गया है इस सर्जरी को करवाए हुए, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और डॉक्टर साहब से भी मतलब कि वो तो मेरे लिए भगवान का रूप है कि मेरे को दोबारा से नया जीवन मिला है, और मेरे घर वालों के लिए भी कितना अच्छा है कि चलो मैं अपने पैरों पर तो खुद खड़ी हूँ।